जो कार्यकर्ता मीटिंग में जिस तरह जितनी बड़ी संख्या में उनके हाजिरी से आप पहुंचे हैं, तो मुझे मैं कह सकता हूं कि जो भावना आपकी है और जो संघर्ष आपका है वो संघर्ष भी रंग लेके आएगा, वो भावना भी आएगा। हमारे भाई नरेश सहलवाल जी, हमारे पूर्व विधायक जिन्होंने परसों एक बहुत बड़ी फतेहाबाद के अंदर एक रैली करी पूरे हरियाणा के अंदर, उस रैली का जिक्र हुआ, मगर जिनसे हमारी बात हुई कि आपने फतेहाबाद में अभी पिछड़ा सम्मेलन बहुत बड़ा एक रैली और फोटो किया 22 तारीख को किया, लेकिन 29 को हमारी कदर रैली को ना भूल रही हो, 29 वाली में उसे भाग माने चाहिए। तो ये हमारे भाई रामलाल भड़ला जी, हमारे एक और साथी बहुत ही संघर्ष के, जिनके साथ मेरा बहुत ही एक आत्मिक संबंध है और बड़े संघर्ष के हमारे साथी हैं, हमारे पूर्व विधायक, हमारे भाई रणधीर सिंह धीरा जी, हमारे यहाँ के इस फतेहाबाद की विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम के उकलाना हल्के के हमारे प्रेक्षक भाई राजवीर भटिया जी, बहुत से साथी स्टेज पे विराजमान हैं, जसी बेगवार जी, सविंदर सारंग जी, देवी पुनिया जी, कृष्ण नंगली जी, करमकेश कुंडू जी, संतोष जून जी, अनिल जी, सुनीता जी, विजेंद्र कपूर जी, योगेश यार जी, श्याम सुंदर बंसल जी, जितेंद्र कुंडू जी, समीर इंदोरा जी, प्रदुमन जोशीला जी, कुलदीप कुलजीत निकंदर जी, महेंद्र सिंगा जी, राजेश अग्रवाल, पार्टी में शामिल भी हुए हैं, पार्टी में परिवार में क्योंकि हमारे परिवार के सदस्य थे, तो उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, ये सारे उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, सभी स्टेज पे थे वो लिखे जो आए, मैंने सारे पढ़ दिए, वैसे सारा परिवार हमारा उकलाना हल्के का, सारा कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता, सारा कांग्रेस का परिवार आज सभागार में उपस्थित है, सबके दल सभी बराबर हैं, मैं जितने नाम लिखे गए हैं मैं समझता हूँ कि सामने जो आप सब बैठे हैं ना, बहुत सब आप सबको बहुत लोगों बाई नेम जानता हूँ, बाई फेस को जानता ही हूँ बहुतों को, तो सबके नाम नहीं ले पा रहे, जो लिखे थे मैंने वो पढ़ दिए ताकि कोई यूं ना कहे कि भाई लिख के भी दिया था फिर भी नहीं पढ़ा, नहीं तो सारा अपना परिवार है, सभी मेरे पिता के समान बुजुर्ग नौजवान साथी, मातृशक्ति श्याम सुंदर बंसल जी, व्यापार मंडल के, आज आप बहुत देर से यहाँ बैठे हैं, ये एक बहुत बड़ी परीक्षा आपने दी, क्योंकि ये प्रोग्राम था 11 बजे का टाइम था, लेकिन ये नगर निगम के जो निकाय के चुनाव की घोषणा हुई सुबह चंडीगढ़ में, एक इसको लेकर जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं और जो नेता विपक्ष हैं उनका साथ हमारी चर्चा हुई, उसके बाद रास्ते में जैसे अभी धीरा जी बता रहे थे, हर जगह कहीं कहीं अम्बाला कुरुक्षेत्र कई ऐसे कार्यक्रम हुए कि आते आते 3-3.5 घंटे की आपने परीक्षा दी, तो उस परीक्षा में अव्वल नंबरों में आप पास हुए, मैं आप सबको बहुत धन्यवाद, और ज्यादा कभी काम मैं नहीं करूँगा, एक परीक्षा तो मैं तो आज आपने आपने टॉप कर दिया, उकलाना हल्का टॉप पे आया है, क्योंकि अगर ये पूरा दिन का अगर चलना होता तो हम इसको धरना भी कहेंगे, क्योंकि सरकार के खिलाफ धरने का नाम दे देते हैं, हम वर्कर मीटिंग नहीं रखते इतनी लंबी परीक्षा, एक तो दे दी, दूसरी अगली परीक्षा आपको देनी पड़ेगी 29 तारीख को, क्योंकि आज तो परीक्षा तो दी लेकिन आज अंदर बैठे हैं, वो तब बाहर बैठेंगे और बात को पता है कैसा मौसम है भाई, ऊपर से भी अग्नि बरस रही है, तो अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी 29 तारीख को, उसी 29 तारीख को जब विपक्ष आपके समक्ष का प्रोग्राम हमने रखा उसकी घोषणा करी, हमारी घोषणा के बाद 3-3 और अलग अलग पार्टियों ने उसी दिन अपने अपने प्रोग्राम रखे, ये आपकी ताकत है, ये विपक्ष आपके समझ का प्रोग्राम हुड्डा साहब ने पिछले साल शुरू किया था, 1 साल के लगभग हो गया जब उस समय शुरू किया था, जब ये जो सरकार है खट्टर दुष्यंत सरकार, पूरे सरकार का मंत्रिमंडल चंडीगढ़ से बाहर नहीं निकल रहा था, कोरोना के टाइम, किसान आंदोलन के टाइम, सरकार को बने हुए एक
समय हो गया था जब ये लोगों की सुध नहीं ले रहे थे। सत्ता के नशे में चूर चंडीगढ़ बैठकर एक के बाद एक बड़े बड़े घोटालों को अंजाम दे रहे थे। उस समय हुड्डा साहब ने बात कही कि हम निकलेंगे लोगों के बीच में, प्रजातंत्र में सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष की भी जिम्मेदारी होती और हम करनाल में रैली करेंगे पहले और हर जिले में रैली करेंगे और इनको मजबूर कर देंगे कि ये भी लोगों के बीच में उतरे, चंडीगढ़ छोड़कर लोगों के बीच में उतरे जिनको लोगों ने सत्ता सौंपी। जब हमने करनाल में करा प्रोग्राम तो अगले हफ्ते मुख्यमंत्री जी को करनाल में रखना पड़ा। जब जींद में करा यहाँ जींद के कई साथी बैठे, जब जींद में धरा तो उसके अगले हफ्ते डिप्टी चीफ मिनिस्टर को चाना के अंदर अपना प्रोग्राम रखने पर मजबूर होना पड़ा। जब हमने फरीदाबाद में किया 1 मई को तो पुनः फरीदाबाद आना पड़ा और अब जब वो तो जब 29 तारीख को हमने फतेहाबाद प्रोग्राम रखा, पहले तो एक एक आते थे अब तो दोनों आ गए, बीजेपी भी जेजेपी भी खट्टर साहब भी और दुष्यंत भी। 29 तारीख को आपका प्रोग्राम जब आपने रखा, ये आपकी ताकत है कि उसी दिन आपके प्रोग्राम से घबराकर मुख्यमंत्री जी को ओडा में सिरसा में रैली रखनी पड़ी और दुष्यंत चौटाला जी को तो हाना के अंदर रैली रखनी पड़ी। मगर मैं प्रेस के साथियों से कहना चाहता हूँ, प्रेस के हमारे साथी यहाँ पे मौजूद हैं, और चुनौती दे के कहना चाहता हूँ क्योंकि मैं एक एक हल्के में होके आया, सिरसा लोकसभा के एक एक हल्के में होके आया, इन्होंने प्रोग्राम तो देख दिया उसी दिन। इनके पास सरकार भी है, दिल्ली की सरकार है, चंडीगढ़ की सरकार है, गाड़ी है, घोड़े है, डीटीओ के माध्यम से बसे कट्ठे करने लग रहे हैं, लेकिन जनभावना नहीं है। दो सरकारी रैली होंगी उस दिन, एक सिरसा के ओडा में और एक रोहना में, मगर एक जनता की रैली होगी फतेहाबाद के अंदर। और मैं प्रेस वालों को कहना चाहता हूं कि आप पे इश्तिहार का दबाव है, ये लोग आपको इश्तिहार देते हैं, आप पे नहीं, आपके मालिकों इश्तिहार को नाम लेते कि जी हम पे नहीं, हम तो आपके साथ, आपके मालिकों पे इश्तिहार का दबाव हो सकता है। आप 5-5 मिनट उनकी दिखाना, लेकिन बीच में 5 मिनट जब उनकी दिखा देना, बीच में 5 सेकंड की झलकी फतेहाबाद की हमारी रैली की भी दिखा देना, लोग हो जाएगा क्योंकि लोगों की जनभावना इन सरकार ने भट्टा बिठा दिया गया है। 8 साल जो हरियाणा 2014 से पहले कांग्रेस पार्टी की हुड्डा साहब के नेतृत्व की जो सरकार थी, उस समय हरियाणा की गिनती विकास कार्यों में विकास दर में देश में नंबर 1 थे, प्रति व्यक्ति आय में देश में नंबर 1 थे, प्रति व्यक्ति निवेश में देश में नंबर 1 थे, किसान के हकों के फैसले में उस समय हरियाणा देश में नंबर 1 पे गिनती होती थी। चाहे किसान के बिजली के बिलों के माफी का फैसला था, कॉपरेटिव के कर्ज का माफी का फैसला था, किसान की फसल के भाव की बात थी, गरीब आदमी के कल्याणकारी योजनाओं में देश में हरियाणा का नंबर 1 पे देश की गिनती होती थी 2014 से पहले अगर हम याद करें। चाहे वो 100-100 गज के प्लॉट का फैसला हो, पूरे देश में और किसी सरकार में नहीं हुआ, चाहे वो गरीब के मकान की किस्त की बात हो, चाहे वो पीने के पानी की टंकी और टूटी की योजना की बात हो, चाहे वो मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना की बात हो, चाहे वो गरीब परिवार के छत्तीस बिरादरी के हमारे परिवार जैसी वर्ग के भाग के कोई का परिवार हो, बैकवर्ड का हो, छत्तीस बिरादरी का बीपीएल का कोई परिवार हो, पहली से 12वीं तक बच्चों की वजीफे की बात हो, देश में अकलौता हरियाणा था जहाँ बच्चों को वजीफा मिला था कि गरीबी की परिस्थिति की वजह से आर्थिक मजबूरी से कोई स्कूल छोड़ने पे कोई बच्चे को कोई विवश ना हो, चाहे उस फैसले की बात हो देश में, चाहे पेंशन की बात हो, छुट्टी बोल के उस समय एक बात चलती थी कि भाई हरियाणा में देश में सबसे ज्यादा पेंशन हरियाणा में रहेगी, हरियाणा देश में सबसे विकास में आ गया तो पेंशन भी सबसे ज्यादा हरियाणा में होनी चाहिए। अब आम आदमी पार्टी आई है, उस समय भी आम आदमी पार्टी की सरकार थी दिल्ली में 2012 से लेकर 14 तक जब हमारी हरियाणा में थी, आम आदमी की दिल्ली में थी, उस समय भी छुट्टी बोली थी कि भाई जितनी दिल्ली में आप बढ़ा सकते हो बढ़ा लो, दिल्ली से ज्यादा पेंशन हरियाणा में देंगे, और कभी मौका मिला तो फिर छुट्टी बोलेंगे आपके तो इन फैसलों में हरियाणा आगे था। भाईचारे में 10 साल तक भाईचारे में देश में खुशहाली में कभी भाईचारे पे आज नहीं आई, कभी किसी को आंदोलन नहीं करना पड़ा, किसी वर्ग को सड़क पे नहीं आना पड़ा, अगर कोई आंदोलन हुआ तो बैठ के बातचीत करके उसका हल निकालने का काम किया गया। लेकिन उस हरियाणा को 8 साल की इस भाजपा सरकार ने विकास में तो पीछे पिछड़ गया हरियाणा, ना कोई इन्वेस्टमेंट हुआ, ना निवेश हुआ, ना कोई थर्मल का प्लांट लगा, ना बिजली का कारखाना लगा, ना कोई औद्योगिक क्षेत्र बना। आज बेरोजगारी में देश में नंबर 1, क्योंकि ना
संभाले। आज बेरोजगारी में नंबर एक, आज बेरोजगारी में नंबर एक होने की वजह से अपराध में आज हरियाणा की स्थिति खराब हो गई। आज नशे के अंदर जो हमारा हरियाणा बचा हुआ था, पंजाब के अंदर नशा था, दिल्ली के अंदर नशा था, लेकिन क्योंकि 10 साल की हमारी सरकार के समय शिक्षा और खेल की तरफ हरियाणा के युवा को एक दिशा देने के लिए शिक्षा और खेल की तरफ ध्यान दिया गया था, आज बेरोजगारी में नंबर एक नशे की तरफ भी, नशे ने भी दस्तक दे दी। मैं अपने बड़े बुजुर्गों से, अपने नौजवान साथियों से कहना चाहता हूँ, आज अगली पीढ़ी के भविष्य को बचाने की भी लड़ाई है, क्योंकि घर में एक भी नशे की तरफ चला जाए तो पूरा परिवार, पूरा घर, पूरी पीढ़ी खराब हो जाती है, उसको भी बचाने की आज आवश्यकता है। बेरोजगारी में नंबर एक आज नशे की तरफ हरियाणा के नौजवान, आज महंगाई में हरियाणा का नंबर सबसे ज्यादा, पहले था कि सबसे सस्ता डीजल पेट्रोल हरियाणा में, रेट सबसे कम था, अब सबसे महंगा डीजल पेट्रोल हरियाणा के अंदर। तो आज हरियाणा को पटरी से इन्होंने उतारा, आपस में भाईचारे का नुकसान कर दिया। इससे ज्यादा मैं समझता हूँ राजनीति में अनैतिकता नहीं हो सकती। अगर भाई को भाई से उलझाकर कोई राजनीति करे धर्म के नाम पे या जाति के नाम पे, वो भाई से भाई को बांट के कोई राजनीति करे, इससे ज्यादा अनैतिकता राजनीति में अनैतिकता नहीं हो सकती। क्योंकि सबका साथ का भविष्य अगर आगे बढ़ेगा पूरा हरियाणा, तो सबका भविष्य अच्छा बनेगा। तो आज उस हरियाणा का इन्होंने भट्टा बिठा दिया, इसीलिए आज पूरा हरियाणा एक आशा की नजर से आपकी तरफ देख रहा है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ इस मौके पर, क्योंकि आज एक कांग्रेस की कार्यकर्ता मीटिंग है उकलाना की, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व का और श्रीमती सोनिया गांधी जी का, राहुल जी का, जिन्होंने लोगों की जन भावना समझते हुए एक फैसला लिया और चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी पे एक बहुत बड़ा विश्वास और भरोसा व्यक्त किया, और चौधरी उदय भान जी एक कमेटी जो हमारे चार बार के विधायक उनको प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, तो आप या पूरे हरियाणा की आशा और उम्मीद आपकी उम्मीद की वजह से आपको सब देख रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अब आपको और हमको मेहनत करके हरियाणा में बदलाव लाने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए मेहनत करके एक एक कदम बढ़ाना पड़ेगा। लोग चाहते हैं कभी बदलाव, मैं ये भी एक और बात बताना चाहता हूँ, लोग इस बार भी बदलाव चाहते थे, लोग इस सरकार को दोबारा नहीं बनाना चाहते थे, ठीक बात है कि गलत बात है? लोग इस सरकार से पीठ छुटाना चाहते थे, इस सरकार से पीठा छुटाना चाहते थे, लोग नहीं चाहते थे सरकार को। इसका ये सबूत है बीजेपी ने नारा दिया 75 बार, टीवी दिखा रहा था 85 बार, हमारी तो 3 सीट दिखाई थी और बीजेपी दिखाई थी 85। एबीपी न्यूज वाला कोई घबरा होगा तो मैं उस भाई से भी कहना चाहता हूँ, आपका टीवी वोट घुटन से 3 दिन पहले हमारी 3 सीट दिखा रहे थे, कोई बात नहीं एबीपी न्यूज वालों, समय बदलेगा, समय बदलेगा। तो आपने 3 सीट दिखाई थी, आपने अन्याय किया था, लेकिन कोई बात नहीं समय बदले। मगर 75 बार का नारा था, टीवी 85 बार दिखा रहा था, जब चुनाव का नतीजा आया और 12-1 बजे आपने टीवी खोल के देखा भाई क्या हुआ, टेलीफोन पे देखा क्या हुआ, तो बीजेपी की गाड़ी थी, वो उस गाड़ी की 75 बार की गाड़ी की भाई हवा निकल गई थी, गिरी निकल गई थी, मैं आप सब बुझा सरकार का इस बात का एक और सबूत है, सरकार का सबसे बड़ा चेहरा उसके मंत्रियों में।
जितने मंत्री जब मंत्रियों का चुनाव लड़ा, एक को छोड़कर सारे मंत्री जीत के आए और अच्छे बड़े बड़े बहुमत से जीत के आए। लेकिन यहां भाजपा के 2019 में 14 में से दो मंत्रियों की दोनों ने खुद ही टिकट काट दी कि ज्यादा स्थिति खराब है। 12 को चुनाव में उतारा, 12 में से दो को छोड़कर, दो एक मंत्री एक मुख्यमंत्री दो को छोड़कर सभी को, नारनौंद में कप्तान अभिमन्यु जी को लोगों ने हराने का काम किया, तो महेंद्रगढ़ में रामविलास शर्मा जी को, बागनी के अंदर ओम प्रकाश धनखड़ जी जो बड़े बहुमत से हारे और उसके बाद बीजेपी को प्रदेश अध्यक्ष बनाना पड़ा, वहां से बागनी में उनको साफ किया, तो रोहतक में मनीष ग्रोवर जी की लोगों ने वहां से मनीष ग्रोवर जी को धराशायी करने का काम किया, सोनीपत में कविता जैन जी को हराने का काम किया, तो शाहबाद में किशन बेदी जी को ध्वस्त किया, इसराना में किशन पवार जी को हराने का काम किया। कुल मिला के सारे मंत्रिमंडल को लोगों ने साफ कर दिया, लोग नहीं चाहते थे इनको दोबारा देखना, ठीक बात है ना। और यहां से मैं पूछना चाहता हूं उकलाना से, उकलाना के लोगों ने यहां से भी विधायक जिता के भेजा था, वो जो बीजेपी की सरकार थी उसी सरकार को दोबारा से चंडीगढ़ में बिठाने के नाम का जिता ने जिता के भेजा था, या उस सरकार को जमना मार करने के नाम का जिता के भेजा था। मैं आपसे सवाल मगर सौदा कर लिया, रातों रात टीवी में खबर चली, जेजेपी के मालिक चल पड़े गाड़ी में बैठ के अमित शाह के घर की तरफ निकल पड़े, वहां से बाहर निकले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि 5,000 बुढ़ापा पेंशन पे समझौता हो गया। हुड्डा साहब ने साहब के साथ प्रेस में बात कहा कि 5,000 बुढ़ापा पेंशन तो कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र में सबसे पहली घोषणा है, और हम 1 नवंबर 2019 से 5,000 बुढ़ापा पेंशन लागू करेंगे और 5 साल में इसको बढ़ाकर दुगनी करेंगे। आप हमारे साथ आओ, लोगों ने भाजपा के खिलाफ मतदान किया है, लेकिन क्या कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि नहीं, हुड्डा साहब और कांग्रेस पार्टी की दी हुई 5,000 नहीं लेंगे, हम तो अमित शाह और खट्टर साहब द्वारा हमारा सौदा हो गया 5,000। मैं पूछना चाहता हूं अपने कार्यकर्ताओं से, बड़े बुजुर्गों से, कितनी बुढ़ापा पेंशन मिल रही है आपको? आती इनके और वो भी कार्ड में भी लग रहे हैं, कहीं कट गई हो, कहीं अपनी कार्ड भी दी काटी भी निकाली, और आती और वो भी 3.5 दिन का आधे से ज्यादा हो गया, पौने 3 साल हो गए सरकार को, 3 साल हो जाएंगे, आधे से ज्यादा टाइम हो गया, 2 साल सवा 2 साल रह गए, ईद कहीं बड़ी मुश्किल से आती पहुंची। सौदा बुढ़ापा पेंशन बढ़ाने का नाम का नहीं हुआ था, सौदा इसके नाम का नहीं होता, सौदा हरियाणा की को लूटने की छूट के नाम का था। कौन सा महकमा किसके पास जाएगा, कौन कितना लूटेगा, शराब का महकमा कौन लेके जाएगा, रेवेन्यू का महकमा कौन लेके जाएगा, तहसील का रजिस्ट्री का महकमा कौन लेके जाएगा, माइनिंग का महकमा कौन लेके जाएगा, कौन कितना लूटेगा, कौन कितना टकाएगा, कौन कितना चिमेगा, खैर ये मैं क्या बताऊंगा, दादा को कौन सारी ले रहा, दादा को वही बता देंगे कौन सा कितना लूट लग रहा है, गलत तो नहीं कह रहा हूं, खुली लूट ऐसी खुली लूट, राजनीतिक अनैतिकता, अपने मतदाता के साथ विश्वासघात, किसान के साथ विश्वासघात, और केवल भ्रष्टाचार को लेकर ऐसी राजनीतिक अनैतिकता, मैं चुनौती देकर कहना चाहता हूं आज जेजेपी पार्टी को चुनौती देकर कहना चाहता हूं, भाजपा को लोग नकार चुके थे, बदलाव होगा, हरियाणा विकास के रास्ते पे दोबारा आएगा, बदलाव होगा, हरियाणा खुशहाली के रास्ते पे दोबारा आएगा, बदलाव होगा, हरियाणा भाईचारे के रास्ते पर देश में दोबारा नंबर 1 पे पहुंचेगा, बदलाव होगा, भाजपा को लोग जमना पार, भाजपा शासन को लोग जमना पार करेंगे, बदलाव होगा, लेकिन जेजेपी वालों आपका हिसाब किताब भी तय करने का लोग काम करेंगे। आज मैं चुनौती इन्होंने जो किया बहुत बड़ी राजनीतिक अनैतिकता करी, राजनीतिक माफ करा, मैं आपके बीच में करूं कुछ कहूं और मैं जाकर कहीं और
सकता जी जी तो भाई सात रुपए ने कहा तो सात देने का पहला टाइम 29 तारीख